मैं श्री सलाहुद्दीन हाँ बोल रहा हूँ। मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ। हमारी मिसेज श्रीमती अख्तरी को जो है 24 दिसंबर 2019 को हाथ दाहिने हाथ में चोट लग गई थी। जा रही थी सड़क पर जो दाहिने हाथ पर गिर के दाहिने हाथ पर उनको चोट लगी थी। जो चोट इस तरह से लगी थी कि उसका इलाज वहाँ पर नहीं हो पाया। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद भी हमको पता चला कि अपोलो में ही तो डॉक्टर विपुल है जो कि ऑपरेट उन्हीं को करना था। दाहिने हाथ में जो चोट लगी थी ऑपरेट करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ही वही ऑपरेट करेंगे। उन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट ही बहुत सफल हुआ। मेरा नाम अख्तरी है, मैं जौनपुर से आई हूँ। अपोलो में आए हैं, यहाँ इलाज हमारा ठीक चल रहा है, अब कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर विपुल ने मेरा इलाज किया, मैं ठीक से हूँ, कोई तकलीफ नहीं हमें है ना कोई परेशानी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विपुल विजय है और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स मेडिसिन का कंसल्टेंट हूँ। आज हम अख्तरी जी के बारे में बात करेंगे जिनको कोहनी की तकलीफ थी। अख्तरी जी को कोहनी में चोट करीबन फरवरी के आसपास लगी थी, जबकि उस समय पे उनके कोहनी के अंदर चोट की वजह से कोहनी के अंदर 3 हड्डी टूट चुकी थी। कोहनी अपनी जगह से खसक गई थी, डिसलोकेट हो चुकी थी और पूरे तरीके से लूज थी। जब वो मेरे पास आई तब उनकी कोहनी अपनी जगह से खिसकी हुई थी, कोहनी से वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी और कोहनी पूरी तरीके से लूज या अनस्टेबल थी। पहले हमने अस्पताल के अंदर उनको ऑप्टिमाइजेशन मतलब पहले उनकी शुगर और थायराइड को कंट्रोल किया और फिर उनके साथ बैठ के हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। अख्तरी जी की तकलीफ थोड़ी सी जटिल इसलिए भी थी क्योंकि ये कोहनी पिछले 8 महीने से अपनी जगह से खिसकी हुई थी। 8 महीने से कोहनी अपनी जगह से खिसके होने के कारण कोहनी के अंदर जो कार्टिलेज या स्मूथ लेयर होती है वो संपूर्ण तरीके से ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी डिस्कशन और उनके साथ बात करने के बाद हमने उन्हें बताया कि उनके लिए जो बेस्ट एडवाइस है वो शायद टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट है। उनको भर्ती करके सारी जांचें कराने के बाद हमने उनको जब ऑपरेट किया तो कोहनी अपनी जगह से खिसके होने के कारण जोड़ पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था और जोड़ की स्मूथ लेयर जो कार्टिलेज या स्मूथ परत होती है वो पूरी तरीके से ख़राब थी। हमने उनका टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट किया और जिसके बाद शी इज़ डूइंग वेरी वेल। उनका दर्द काफ़ी कम है, कोहनी अब स्टेबल हो गई है, कोहनी अनस्टेबल नहीं है और अब हमारा प्लान उनको आगे डिस्चार्ज करने का है एंड होपफुली विद प्रॉपर केयर शी शुड बी एबल टू हैव रीजनेबल फंक्शन ऑफ द एल्बो। धन्यवाद।